और नबी रहमत अलैहिस्सलाम की पहली बात नहीं बीबियों की आंखों में आंसू पैदा कर दिए। हुजूर फरमाने लगे सुनो, जब कोई औरत बच्चा पैदा कर लेती है तो रब उसे उतना ही दर्जा देता है जितना एक शहीद को दर्जा अदा करता है। और फरमाया जब वो औरत उसका बच्चा आ जाता है, अब वो रात को रोता है, वो उठता है, पखाना और पेशाब करता है, अपने वजूद को आलूदा कर लेता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे वो औरत ये फिक्र ना करे कि वो देखो मर्द तो आराम से सोया हुआ है और मैं उठ के बच्चे को साफ कर रही हूँ, पखाना पेशाब धो रही हूँ। मेरे महबूब ने हर वक्त फिक्र को, हुजूर ने जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले आदमी को इज्जत दी। फरमाया बीबियो जब तुम रात को उठ के अपने बच्चे की खिदमत करती हो, दूध डाल के देती हो, पखाना और पेशाब साफ करती हो, तो फरमाया रब तुम्हें उतना ही अजर देता है जितना सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहने वाले इबादत गुजार को अजर अदा फरमाता है। इतना अल्लाह तुम्हें अजर देता है। हर शख्स के हिस्से में, हर शख्स के हिस्से में मेरे नबी पाक ने इज्जत लिखी, हर शख्स के हिस्से में रसूल पाक ने वकार, रिश्तों को हुजूर ने इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि रिश्ते रिश्ते नहीं दर्द बन गए। मां का नाम आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, मां का नाम आता है तो दिल तड़पता है ना यार। ये इनकलाब है जो मिलाद वाले रसूल ने बरपा किया, वरना हजरत तारिक इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मैं हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी मक्के आया था। आप फरमाते मैंने एक बूढ़ी औरत को एक नौजवान को गले में रस्सी डाल के घसीट के ले जाते देखा, तो मैंने उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो, कौन है ये बीबी, क्या मसला है? तो वो कहने लगा जी मेरी अम्मा है, बूढ़ी हो गई है, किसी काम की नहीं रही, तो बेचने जा रहा हूं, चलो किसी के बर्तन जब मांजेगी तो मेरे तो पास कुछ नफा आएगा ना बेचने। ये दास्तानें नहीं, अभी भी जिन लोगों की तबीयत सख्त होती है वो कत्ल नहीं कर देते माँ बाप को। वाकया सुने ना आपने कि अब्बा मेरे नाम जमीन नहीं कर रहा तो मार दिया। जब कलेजे सख्त होते हैं तो काम हो जाता है। एक तरफ वो मंजर था और एक तरफ ये मंजर है कि हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका नाम नहीं है हजरत हलीमा का मुस्लिम शरीफ में, वो इमाम ज़ुरकानी ने लिखा है, वरना मुस्लिम में ये रवायत अपने असल अंदाज में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब हलीमा बूढ़ी औरत सादी औरत, अगर आप कभी माशरती लिहाज से हजरत हलीमा का अंदाज देखेंगे ना, तवज्जो है मेरी बात पर, समझ आ रही है आप हजरात को, जो हमारा माशरती माहौल है ना, माशरती माहौल, तो हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की हैसियत आज के मुआशरे में अगर देखी जाए तो एक आया, बच्चों को पालने वाली आया नहीं होती, वो आया थी, स्कूल में एक आया होती है, जब बच्चा छोटे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो औरत संभालती है, दूध डाल देती है, कई दफा फीडर भी पिला देती है, बच्चा अगर पखाना पेशाब करता है तो खिदमत करती, ये औरतें उस जमाने में छोटे बच्चे ले जाती पाला करती। तू बता ना दाई की आया की, मैं मिसाल दे रहा हूं, और नर्स की क्या हैसियत है माशरे में। और हजरत हलीमा सादिया जब नबी पाक को वापस लेके आई थी तो चलो कुछ नहीं, लेकिन ना कुछ मुआवजा भी उन्हें हजरत अब्दुल मुतलब ने अता किया था, जनाब आमना ने उन्हें कुछ, एक माना यह भी हो सकता था कि पैसे दे के ये काम कराया, माना हो सकता था। आज जो घर में अम्मा बर्तन धोती है उसकी क्या हैसियत होती है, वो तो बेचारी जिन बर्तनों को धो के हमें देती है, बाद में उन्हीं बर्तनों में हम उन्हें खाना खाने की इजाजत नहीं देती। लेकिन मेरे रसूल पाक ने रिश्तों को इज्जत दे दी, इस तरह की इज्जत दी, इस तरह की इज्जत दी कि जनाब हलीमा मस्जिद नबी का दरवाजा गुजरी ही थी कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी पाक मिंबर पर उठ के खड़े हो गए, रसूल पाक खड़े हुए नबी पाक। मैं कभी कभी ये रवायत देखता हूं तो मेरा दिल करता है मैं अपने आप से पूछूं, मेरा दिल करता है मैं अपने यारों दोस्तों खुतबा से वाइजीन से पीरों से मशायख से पूछूं कि तू भी बता, जब तू शागिर्दों को पढ़ा रहा होता है और तेरे अब्बा जी आते हैं तो तू कभी उठ के खड़ा हुआ है अपने जैसे लोगों से? अच्छे वाला माँ की बात नहीं करता, कभी सवाल करो। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल, क्या आलम दीन तकरीर कर रहा वालिद आ जाए बंदा उठ के खड़ा हो, लेकिन रसूल पाक ने इज्जतें दी, वकार दिया। जनाब हलीमा दाखिल हुई तो हुजूर मिंबर पे खड़े हुए और इतनी तेजी से हुजूर आगे बढ़े, अपनी चादर को उतारा और फिर मेरे रसूल ने जमीन पे बिछाया और फिर हजरत हलीमा सादिया बैठ गई और जनाब अबू हुरैरा फरमाते जितनी देर नबी पाक उनके सामने बैठे रहे अत्ताहियात की हालत में बैठे रहे,
हुजूर ने रिश्तों को वो वकार दिया, वो हुस्न दिया कि रिश्ते दर्द बन गए हैं। अब माँ का नाम दिल में बाद में आता है, जुबान में बाद में आता है, आंसू पहले आते हैं। अब माँ का रिश्ता एक वकार है, एक हुस्न। अल-हाविल फतावा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह लिखा है, फतह मक्का के बाद ना कमाल हो गया, वराई तन्ना सैयद खुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, फौजों की फौजें दीन में आ गई। एक जमाना तन्हाइयों का होता है, एक उरूज का होता है। उरूज के जमाने में बड़े ताल्लुक, बड़े रश, बड़ी बातें। अब हाल यह था फतेह मक्का के बाद के पहले तो एक आध आदमी कलमा पढ़ता था, फौजों की फौजें आती। एक दिन ना नबी पाक नमाज पढ़ाने आए मस्जिद में, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में आए तो मस्जिद खचा खच भरी हुई, गलियां भी भरी, 10,000 के करीब लोग मदीने में जमा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो 10,000 का मजमा उठ के खड़ा हो गया। हमारे लिए लोग खड़े होते हैं तो हमारी आंखें पुरनम नहीं होती, बल्कि हम अपना हक समझते हैं, हम कहते हैं इनका बनता है खड़े होना। हालांकि भाई दुनिया सबके लिए खड़ी नहीं होती, जब कोई खड़ा हो ना तो नजर झुक जानी चाहिए और तेरे दिल में ख्याल आना चाहिए कि या अल्लाह मुझ पे रहम ही रखना, ऐ अल्लाह मेरी पर्दा पोशी करना, या अल्लाह ये तेरी दी हुई इज्जत है, मेहरबानी कर खुफिया तदबीर से महफूज फरमा, कि हमें एहसास नहीं होता इल्ला माशाल्लाह। अल्लाह के महबूब दाखिल हुए तो 10,000 का मजमा खड़ा हो गया। 10,000 आदमी खड़ा हो तो एक कैफ बनता है, तो मेरे जैसा आदमी तो वेस्टकोट सीधी करने लग जाता है ना कि बड़ी शान है जनाब, कॉलर ठीक कर लो, दस्तार सीधी कर लो, क्या बात, इतने लोग भी कभी किसी के गाड़े के पीछे भागे। लेकिन नबी पाक का अंदाज क्या था, रसूल पाक की आंखों में आंसू आ गए। 10,000 आदमी खड़ा हुआ, हुजूर रो पड़े और इतना रोए कि जनाब अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक के सीने से आवाज निकलती देखी। जब आदमी ज्यादा रोता है तो सीने से आवाज आती, हुजूर रोए के सीने से आवाज आई। आप फरमाते हैं फिर हुजूर ने आंसू पूछे, फिर नमाज मुकम्मल हुई। जब लोग चले गए तो अबू बकर सिद्दीक उठ के करीब गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कोई वजह नहीं थी रोने की, आप आए हैं और रोना शुरू कर दिया। तो मेरे महबूब फरमाने लगे, आज जब मैंने अपनी वो शानें देखी, वो मकाम देखा, तो मुझे अपनी अम्मा की याद आ गई, माँ की याद। रिश्तों को वो इज्जत दी, वो वकार दिया, वो हुस्न दिया। कहां नमाज के लिए लोगों का खड़ा होना और कहां अम्मा की बात छेड़ देना। मेरे हबीब फरमाने लगे, मुझे अपनी अम्मा आमिना की बात याद आई। मेरी माँ ने तो वो दौर देखा था जब वजूद पे कपड़े भी पूरे नहीं थे, दिल करता था आज अम्मा मौजूद होती, मैं नमाज पढ़ाने आता, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधता, सुभानक अल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ता और सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ लेता कि मेरी अम्मा अमना को कोई काम याद आता। वो पर्दा सिरका के कहती, बेटा मोहम्मद मेरी बात तो सुनना। तो मबू फरमाते, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं नमाज छोड़ देता, पहले माँ की बात सुन के आता, मैं छोड़ देता नमाज। वकार दे दिया, वकार, वो हुस्न बख्शा, वो तवानाई बख्शी। मेरे दोस्तों याद रखो, इस्लाम के आने से कबल खवातीन की वो इज्जत और वो वकार कायम नहीं था जो इस्लाम ने औरतों को दिया है। यूरोप जो गलत प्रोपोगंडा मुसलमानों के खिलाफ करता है, उसमें से एक बात वो ये करते हैं कि यहां खवातीन को हुकूक हासिल नहीं। उन बेवकूफों का ख्याल ये है कि औरत को बेपर्दा फिरने की इजाजत दी जाए। उनकी नजर में हुकूक ये है कि बीबी को कामकाज करने के लिए छोड़ दिया जाए, औरत घर की जीनत नहीं बल्कि बाजार की जीनत बना दी जाए, दफ्तरों में और कामकाज की जगहों पे खवातीन का नजर आना और बगैर किसी पाबंदी के औरत का फिरना, इसको आम कर दिया जाए तो शायद ये औरत के हुकूक हैं। हालांकि औरत बाजार में सजाने की चीज नहीं है, औरत वो अल्लाह तबारक व ताला
की अजीम नेमत है जो अगर बेटी की सूरत में हो तो रहमत होती है, अगर माँ की सूरत में हो तो जन्नत होती है, बहन की सूरत में हो तो वो मोहब्बत होती है, और अगर बीवी की सूरत में हो तो वो इज्जत होती है। इस्लाम ये नुक्ता नजर रखता है, इस्लाम ये नुक्ता नजर देता है कि औरत खावंद की इज्जत है। आज जो लोग थोड़ा सा भी यूरोप से मुतासिर हैं वो कहते हैं कि औरत को कॉलेज में काम भी करना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, यूनिवर्सिटी में उसे लेक्चरार भी होना चाहिए, औरत को फैक्ट्री में भी नजर आना चाहिए, दफ्तर में भी नजर आना चाहिए, औरत बुटीक पे भी हो। और बड़े शर्म की बात है कि मुसलमान अब इस नहज तक पहुंच गया है कि खातून को दुकानदारी देना ज्यादा दुकान चलने का सबब समझता है। इस कदर ज्यादा ज्यादती औरत के साथ होती है और औरत इतनी नादान है कि जो उसके साथ ज्यादती है उसे वो अपनी इज्जत समझ बैठी है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आज आपकी खिदमत में जो बात अर्ज करूंगा वो औरत के बहसियत एक बीवी होने के हवाले से खामत पर जो हुकूक आयद होते हैं उनके बारे में अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात ये अपने जेन में बिठाएं, एक पहलू औरत का ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये टेढ़ी पसली से निकली है। पहला पहलू, ये टेढ़ी पसली से निकली है, ये टेढ़ी है, तुम अगर सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट तो जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी, है ये टेढ़ी। मेरे साथ इसलिए मेरी माएं बहनें नाराज नहीं हो सकती कि मैं रसूल पाक की हदीस सुना रहा हूं, और हदीस भी बुखारी मुस्लिम की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये औरत टेढ़ी पसली से निकली है, टेढ़ी है, टेढ़ी के साथ ही तुमने गुजारा करना। और कंजुल उम्माल में हदीस के ये इजाफी लफ्ज मौजूद हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत बड़ी भी पढ़ी लिखी हो तो उसमें कुछ फितरी जहालत पाई जाती, जबिल्ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत जब जहालत दिखाए तो मर्द को खामोश हो जाना चाहिए। बड़ी पढ़ी लिखी भी हो ना, पीएचडी तक उसकी डिग्री हो तो कुछ जबिल्ली और फितरी तकाजे। फरमाया जब औरत जहालत दिखाए तो मर्द को खामोश हो जाना चाहिए। एक पहलू यह है, एक पहलू यह है कि औरत टेढ़ी है, सीधा करने की तुमने कोशिश की, करो जरूर कोशिश करो समझाने की, बुझाने की, बहलाने की, लेकिन यह तवक्को ना रखो कि यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये तवक्को ना रखो, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये फितरतन ही ऐसी। एक पहलू तो ये है, और दूसरा पहलू ये है कि तेरी बीवी वो औरत है जो मां बाप को छोड़ आई है, ये दूसरा पहलू, तेरी बीवी वो औरत है जो अपने घर बार को छोड़ आई, बहन भाइयों को छोड़ आई, रिश्तेदारों को छोड़ आई, तेरी खातर जहां पली थी, बड़ी थी, रही थी, जवान हुई थी, जहां उसने नाज देखे थे, मोहब्बत देखी थी, खुलूस अपने वो सारे छोड़ आई है, अब वो तेरे घर में आई है, तेरे अलावा उसके लिए सारे गैर हैं, तेरे अलावा सारे गैर हैं उसके। एक एक बात ये बिल्कुल बजा है कि औरत टेढ़ी है, दूसरा पहलू ये है कि तेरे लिए कुर्बानी बड़ी दी है उसने, तेरे लिए उसने बड़ा कुछ छोड़ा, अब तू ये इसी चक्कर में ना रह के तू टेढ़ी है, तू टेढ़ी है, तू टेढ़ी है, वो थी तो टेढ़ी लेकिन वो टेढ़ी तेरे लिए सारा कुछ ही कुर्बान कर आई है, ये पहलू भी पेशे नजर रहे। मेरे दोस्तों, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया तो सूरह निसा की आयत नंबर 19 के एक हिस्से में अल्लाह ने फरमाया वाशिरूहुन बिल मारूफ, औरतों के साथ ना अच्छाई वाला बर्ताव करना,
औरतों के साथ अच्छाई वाला बर्ताव। आला हजरत रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं, मर्दों को चाहिए औरतों से जरूर अच्छा सलूक करें, औरतों के साथ जरूर अच्छा सलूक। हुजूर क्यों फरमाया? इसलिए कि औरतों का सिफारशी हमारा रब है, बीबियों का सिफारशी हमारा। वो कहता है वाशिरूहुन बिल मारूफ, तुम इनके साथ जरूर अच्छा सलूक करो। फइन करहतुमूहुन, अगर तुम्हें इनकी कोई बात ना पसंद हो, कराहत आए, क्योंकि अल्लाह ने पैदा की है ना, तो अल्लाह को पता है औरत की कुछ बातें मर्द को नापसंद भी है। फइन करहतुमूहुन, अगर तुम्हें उसकी कोई बात ना पसंद आए, फअसा अन तकरहू शैयन, हो सकता है तुम्हें कोई चीज ना पसंद हो, वजज अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, तुम्हें तो ना पसंद हो लेकिन अल्लाह ने उसी में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खैर रखी हुई हो। हो सकता है तुम्हें ना पसंद हो तुम्हें, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर तुम्हारे लिए फीहि खैरन कसीरा। कुरान ये भी कह देता ना फीहि खैरन, हो सकता है अल्लाह ने वो जो बीबी तुम्हें नापसंद है उस बीबी के अंदर तुम्हारे लिए खैर रखी हो, तो कुरान के लफ्ज है ना, लफ्ज खैर भी काफी था, लेकिन रब्बे करीम ने फरमाया फीहि खैरन कसीरा, हो सकता है तुम्हें पसंद ना हो और अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसी बीबी में बहुत ज्यादा खैर रखी हुई हो, तुम्हें नापसंद है। तुम कहते हो खूबसूरत नहीं है, इताअत शियार नहीं है, बात नहीं मानती, समझती नहीं, संभलती नहीं, मेरे कहने पे नहीं चलती, ये मेरे मिजाज की नहीं, सारी बातें ठीक है। फरमाया अगर तुम सबर करो, अगर सबर, हजरत अबुल हसन खिरकानी, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे थे, सिलसिला नक्शबंदिया में बहुत बड़ा नाम है जनाब अबुल हसन खिरकानी का रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आदमी थे, लोग मिलने के लिए आते थे। बीबी जो थी वो जुबान की बड़ी तेज थी, बड़ी तेज थी, मर्द को जलाल भी आता है। एक दिन हजरत उमर फारूक ने अपनी बेगम से कहा, आपने कोई बात कही, तो बीबी ने आगे से तुर्की बतुर्की जवाब दिया, दू बदू बोली, फौरन कहने लगी कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं, जो मैं कहती हूं वो ठीक है। हजरत उमर फारूक को बड़ा गुस्सा आया, फिर मुस्कुरा पड़े। आपकी बेगम कहने लगी हजरत जी क्या हुआ? फरमाने लगे हुआ ये कि मुझे एक बात याद आ गई है। कहने लगी बताओ ना, इतना जलाल, फिर मुस्कुराहट। आप फरमाने लगे मुझे याद आ गया जहालत का जमाना, बीवी मेरे पास उस वक्त भी होती थी लेकिन जुर्रत थी उसकी बोल जाए, जहालत के दौर में भी मेरे पास बीवी थी, जुर्रत थी उसकी बोल जाए, शुक्र अदा करो रसूल पाक का, दुरूद पढ़ो नबी पाक की जात पर, उन्होंने तुम्हारे हुकूक बता दिए और हमने खामोश रहना शुरू कर दिया है, शुक्रिया अदा करो रसूल पाक की जात का, दुरूद पढ़ो, वरना तुम्हारी जुर्रत थी तुम बोल सकती, तुम्हारी ताकत थी। हजरत अबुल हसन खिरकानी को बड़ा जलाल आता लेकिन चुप रहते। मुरीद मिलने आए, दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी अंदर से बोली कौन है दरवाजे पे? कहा जी हजरत के मुरीद है, बड़ी दूर से मिलने आए हैं। हजरत साहब किधर हैं? उन्होंने कहा जिस तरह के तुम वेले उस तरह का तुम्हारा पीर वेला, फारग ना उसे कोई काम ना तुम्हें कोई काम, वो कहीं निकल गया जंगल में, उसका दावा है कि वो अल्लाह को राजी कर रहा है और तुम्हारा ख्याल है कि वो तुम्हें फैज दे रहा है, मुझे नहीं पता। दोबारा दरवाजे पे दस्तक दी तो बड़ी बुरी पेश आऊंगी, दौड़ जाओ। अब वो मुरीद बड़ी दूर से शोरा सुन के आए थे, वो कहने लगे हजरत जी का बार तो बड़ा कमाल है लेकिन घर में कोई इज्जत नहीं, बार तो बड़ी बात है लेकिन बीबी बड़ी सख्त है, देखो कैसे बोल रही है। हजरत साहब जंगल, किसी से पूछा हजरत किधर है? कहा जनाब वो जंगल में इबादत करने गए। वो बंदा जंगल की तरफ गया तो रात का वक्त था, शाम ढल चुकी थी, रात हो रही थी। हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह शेर पे बैठे हुए, शेर के ऊपर सवारी कर रहे और शेर आपको घर छोड़ने आ रहा है। वो शख्स डर गया, आप फरमाने लगे क्यों डरता है शेर से? मुझे जरा आज जिक्र में देर हो गई थी तो ये शेर मेरे पास खड़ा था, मैंने कहा यार मुझे घर छोड़ा, इसकी मेहरबानी है। और अगला जुमला बड़ा शानदार है, आप फरमाने लगे जो अल्लाह की इताअत करता है सारी मखलूक उस बंदे की इताअत करती है। वो बंदा कहने लगा हजरत साहब फजूल बात कर रहे हैं,
अगर सारी इताअत करती है तो बीवी क्यों नहीं करती। दिल में ख्याल आया ना, वसवसा आया कि अगर सारी जो अल्लाह की जो बंदा इताअत करे, अब शेर पे बैठ के नसीहत कर रहे हैं और दिल के अंदर सोच रहे हैं कि अजीब आलम है, अजीब मामला है कि शेर बात मानता है, शेर को राम करना, और शेर वो एक दफा चिड़िया घर का शेर खुल गया तो ऐलान हो गया जी सारे लोग दौड़ जाएं। शेर खोल गया तो दौड़ गए थे सारे, मैं भी था, दौड़ गए। थोड़ी देर के बाद ऐलान हुआ जी शेर पिंजरे में कैद कर दिया गया। शेर बड़ी बात है ना, दरिंदा है, बचना चाहिए, जान बचाना फर्ज है। एक बंदा शेर पे बैठा है और घर का हाल यह है कि बीबी इतने सख्त जुमलों से उसका तारुफ कराती है। हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह उसके दिल की बात जान गए, फरमाने लगे अल्लाह के बंदे मेरी बीवी बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। तेरे दिल में यही ख्याल आ रहा है ना कि ये हजरत इतनी शान है कि शेर को राम कर लिया, एक बीबी इनसे राम नहीं हुई, मेरी बीवी बड़ी तल्ख बड़ी सख्त है। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे कई बार मैंने सोचा छोड़ दूं, फिर मुझे तरस आया कि ये कहीं गुजारा नहीं कर सकेगी, ये तबन ठीक नहीं, इसका कहीं गुजारा नहीं होगा, लोग जुल्म करेंगे, मेरी तरह कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। फरमाया मैंने अपनी बीवी के साथ नरम रवैया रखा है, उसने इखलाक करता हूं, अल्लाह उसकी बरकत से मुझ पर करोड़ों रहमतों का नजूल फरमाता है। और फरमाया ये जो मखलूक मेरी बात मानती है ना, शेर मेरी बात मानता है, ये भी इसलिए मानता है कि मैं अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का अंदाज इख्तियार करता हूं। वो नादान है, बेवकूफ है, उसकी अकल आधी है, बात को समझती नहीं। अल्लाह ने उसे जबिल्लन फितरतन ऐसा बनाया, मैं उसने सलूक करता हूं, मैं अच्छा बर्ताव करता हूं तो अल्लाह मेरे ऊपर रहमतों का नजूल फरमाता है। बात याद रखें, मैं इख्तलाफ नहीं करता, औरत को मारना जायज है, मर्द उसे मार सकता है। अगर बात ना माने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना माने तो पहले बिस्तर अलग कर दो, अगर फिर भी नहीं मानती उससे अलग हो जाओ, लेकिन घर के अंदर फिर भी बात नहीं मानती तो इस तरह मारो कि ना उसके चेहरे पे और ना उसके वजूद पर जख्म आए, इतनी कम जरब लगाओ, तादीबन तंबीहन मारो, मारने के लिए ना मारो कि जिस तरह मारा जाता है जानवर को या मारा जाता है जलाल में, किस तंबीहन तादीबन इस तरह नबी पाक। लेकिन सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातों की इजाजत दी। लेकिन मेरे दोस्तों इजाजत दी है, इजाजत और है, लेकिन मेरे महबूब की सुन्नत और है, इजाजत और है, सुन्नत और। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तादीबन तंबीहन मारने की इजाजत दी, लेकिन हुजूर की 11 बीवियां थी, किसी को कभी नहीं मारा। तादीबन तंबीहन इजाजत तो दे दी, लेकिन सीरत क्या है, सुन्नत क्या है, हुजूर ने कभी मारा? इजाजत दी है, ये बिल्कुल हदीस सही से साबित है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये नहीं है। मेरे महबूब का औरत का सबसे पहला हक ये है कि उससे दरगुजर की जाए, दरगुजर करो। अगर दरगुजर नहीं करोगे तो टाइम पास नहीं होगा, वक्त नहीं गुजरेगा, क्योंकि हर बीबी ही टेढ़ी है, हर बीबी। मेरे अब्बा जी मरहूम एक जुमला कहा करते थे, मेरी अम्मा जी उसकी ताईद किया करती थी, मुझे बड़ा याद है। वो हम भाइयों को जब कभी झगड़ा होता था ना, मियां बीवी का हो भी जाता है झगड़ा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का भी हो जाता था, और ये मोहब्बत की लड़ाई होती है, तो एक जुमला कहा करते थे, फरमाया करते थे तुम अपनी बीवियों से इसलिए अच्छा सलूक करो कि तुम्हारी बहनों के साथ भी अच्छा किया जाएगा। ये अगर फितरतन बीवी टेढ़ी है तो बहन भी तो टेढ़ी है ना, फितरतन औरत है ना वो भी एक। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी बीवी के साथ अच्छा सलूक किया जाए तो ये अपनी तुम्हारी बहन के साथ अच्छा सलूक किया जाए, तो ये मामला अपनी बीवी के साथ भी रवा रखो ना। हल जजाउल एहसाना इल्लल एहसान, अल्लाह एहसान का बदला एहसान ही अता फरमाया करता है। अजीज दोस्तों एक बात तो ये, औरत से दरगुजर करो, जितना हो सके दरगुजर करो। हुजूर ने फरमाया जब जहालत दिखाए तो खामोशी इख्तियार करो। और दूसरा औरत का हक ये है, उससे बुग्ज ना रखो कभी भी, हुजूर ने मना फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत से बुग्ज ना रखो, बहाने ना ढूंढो औरत को सताने के, बहाने ना तलाश करो, जहां तनकीद का मौका मिला फौरन कर दी, जहां मौका मुयस्सर आया फौरन तनकीद कर दी।
और जहां उसे डांटने का मौका मिला फौरन डांट दिया, ये ना करो। रसूल पाक ने फरमाया अपनी बीवी से बुग्ज ना रखो। और अगले जुमले बड़े शानदार हैं हदीस के, हुजूर ने फरमाया अगर उसके अंदर खामियां पाई जाती हैं तो खूबियां भी तो पाई जाती होंगी ना। अगर कोई खामी है जिसकी वजह से तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो जरा बाकी की उसकी जिंदगी और बाकी उसका तर्ज हयात देखो ना, तुम्हें खूबियां भी मुयसर आ जाएंगी। सुनो मेरे दोस्तों, यह है फरमान मुस्तफा। अब जरा सीरत मुस्तफा देखो, यह फरमान हुजूर का, फरमाया बुग्ज ना रखो, औरत की खूबियां देखो। हमारा पता क्या हाल है, अल्लाह खाना देर से क्यों पकाए, देर से क्यों पकाए खाना। अच्छा जनाब, जब आप रात को बाहर से खा के आ जाते हैं दोस्तों के साथ 2000 की कढ़ाई, उस वक्त घर आके एहतजाज क्यों नहीं करते, उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं होता। तो कढ़ाई खाए आप तो मुरगन गिजाएं खाए, आप तो अक्सर चले गए जनाब रेस्टोरेंट पे खाना खाने, और कभी अगर बीवी ने देर से खाना वो आपके लिए खाना पका के बैठी है तैयार करके रखा हुआ उसने, आपने खाया ही नहीं, क्या हुआ जी खाना खा लो मैं बाहर से खा आया हूं, आज एहतजाज क्यों नहीं। और अगर कभी किसी वजह से बीवी देर से खाना पकाए तो ऐसी भी खबरें मिलने को आती हैं कि हंडिया उठाई और उसको गली में फेंक दिया या सेन में फेंक दिया, इतनी देर से रोटी क्यों पकी, जलाल आ गया, ये कहां की शराफत है भाई। जब तूने पका पकाया नहीं खाया था तब भी तो तू ही था और आज तुझे, और फिर इससे आगे गुजरते हम, जरा नमक तेज क्यों है हंडिया में इस। और मैं, मेरे पास ऐसे मसाइल तलाक के आते हैं कि जनाब बीवी ने हांडी ठीक नहीं पकाई थी, खामत को जला लाया, उसने कहा तलाक तलाक तलाक, हौला वाला कुव्वत, ये कहां का इंसाफ है। हंडिया ठीक नहीं पकी, सालन में मिर्चे ज्यादा है, रोटी जो है वो जला दी है, तूने ठीक तरीके से पकाई नहीं, सालन के साथ सलाद क्यों नहीं बनाया। भाई जरा थोड़ा सा ख्याल कर, अगर अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है वो तुझे औरत बना देता तो तू एहतजाज कर सकता था। उसने तुझे अगर अशरफुल मखलूकात बना दिया है तो इतना तकब्बुर, इतना गुरूर। सुनो रसूल पाक अलैहिस्सलाम का तरीका, बुखारी मुस्लिम की हदीसें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा सय्यदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, वो दिन जब अल्लाह ने हमें खुशहाली दे दी, वो दिन जब अल्लाह ने फतह दे दी, इजा जा नसरुल्लाह वल फतह वराइत الناس يدخلون في دين الله افواجا ان فتحنا لك فتحا مبينا की, जब अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरियां सुनाई, बड़ा माल बड़ा कुछ। फरमाती हैं घर में खाना तैयार होता था, अगर हुजूर को पसंद नहीं ना आता था हुजूर चले जाते थे, छोड़ देते थे। फरमाती हैं मैंने पूरे 9 साल में एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि रसूल पाक ने पके हुए सालन में से नक्श निकाला हो, हुजूर ने कभी नक्श निकाला हो, कभी। हम बाज ही नहीं आते, मेहमान जाएंगे किसी के घर उसे कहेंगे यार जरा नमक लाना थोड़ा सा, यानी तू मेहमान गया किसी के घर और तू अपने मेजबान को यह बता रहा है कि तुम्हें तो नमक डालने का तरीका नहीं आता, हम इंसल्ट करते हैं मेजबान की, जरा नमक लाइएगा थोड़ा सा। अच्छा जी आपका हाल यह है कि आप उनको बतलाना चाह रहे हैं कि तुम्हें तो हंडिया नहीं पकानी आती, तुम्हें तो नमक पूरा करने का सलीका और ढब नहीं आता, ये हमारा। और रसूल पाक का अंदाज यह है, अपने घर गए हैं और हुजूर की बीवियां, सिर्फ बीवियां नहीं बल्कि नबी पाक की उम्मती भी हैं, सिर्फ बीवियां नहीं खादमाएं भी हैं, उनके लिए बहसियत उम्मती हुक्म मानना भी जरूरी। और जितनी नफासत और जितना हुसन नबी पाक की तबीयत में था किसी की तबीयत में हो ही नहीं सकता। बावजूद इसके सय्यदा फरमाती है खाना पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया, नहीं खाया, लेकिन रसूल पाक ने कभी नक्श निकाला। और यहां इस बात पे तलाकें हो रही। अगली हदीस सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर घर आए, कहा आयशा कुछ खाने को है, मैंने कहा हुजूर सिरके का सालन बनाया, क्या किया है, और हुजूर सही बना भी नहीं, दिल में ख्याल आ रहा है ये तो बता दिया कि सिरके का साल, और तबीयत ये कहती थी कि सही बना हुआ नहीं है, सही बना भी नहीं और फिर बना भी जल्दी में है और वो इस काबिल नहीं कि मैं पेश कर सकूं। मैंने कहा हुजूर सिरके का सालन है, आप जरा इंतजार फरमाए मैं पता कराती हूं। हुजूर ने फरमाया वही ले आओ। हजरत आयशा सिद्दीका के लफ्ज फरमाती है कि मेरा दिल गवाही देता था कि सालन ठीक नहीं पका, मैं नहीं चाहती थी हुजूर की खिदमत में पेश करूं,
फरमाती है मैंने हुजूर के सामने रखा सिरका, रोटी रखी, फरमाती है अब मेरा चेहरा उतरा हुआ है, अब मैं उम्मीद रखती हूँ इस बात की कि रसूल पाक कुछ तबसरा फरमाएंगे, उम्मीद है कि हुजूर कुछ जुमले कहेंगे, लेकिन वाह सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, क्या अंदाज है मेरे महबूब का और क्या खूबसूरत तर्ज गुफ्तगु है। हजरत आयशा फरमाती है हुजूर ने लुकमा मुंह में डाला, जैसे ही अंदर लुकमा गया मैं मुंतजर थी कि तबसरा आएगा, हुजूर बोले लब खोल ले हिकमत के मोती रोल ले, और हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया आयशा क्या खूब सालन पकाया है, क्या लजीज सालन पकाया है, क्या बात है आज तो खाने की, आज तो क्या बात है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मैं जरा सा अपना चेहरा मदम करके पीछे हटी, फरमाती है मैंने रुख फेरा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ी और मेरे दिल में ख्याल आया कि आयशा तेरे कितने बड़े मुकद्दर हैं, खुदा ने तुझे ऐसा सरताज और ऐसा शोहर दिया है, कायनात में न पहले किसी को ऐसा मिला है न कयामत तक दोबारा ऐसा मिल सकेगा, ऐसा कोई महबूब कहीं देखा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को, क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। दोस्तों हजरत आयशा पकाने वाली बीबी कह रही है कि सही नहीं पका, इस काबिल नहीं कि खिदमत अकदस में पेश कर सकूं, लेकिन मेरे महबूब का तरीका देखो हमारा क्या हाल है, हमारा क्या हाल है। और बड़ी माजरत के साथ आप मेरे अपने हैं, आपसे एक बात शेयर करता हूं, हम तो बाहर का गुस्सा भी घर जाके निकालते हैं, हम तो अपने सर का गुस्सा भी, अपने मैनेजर का गुस्सा भी, और जनाब अपने ऑफिसर का गुस्सा भी घर जाके बीवी पे निकालते हैं, इसलिए कि गहरी जगह पे पानी जरा जल्दी आ जाता है ना, जुमले ठीक नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर जब भी घर का दरवाजा खोलते थे, और आप जानते हैं मेरे रसूल पाक को दुनिया में सबसे ज्यादा गम आए, सब अंबिया से ज्यादा दुख नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त किए, हदीसे सही से साबित है, लेकिन बावजूद इसके फरमाते हैं जब भी घर का दरवाजा खुला हुजूर आए, नबी पाक मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुए, हुजूर मुस्कुराते। बास तो ऐसे नादान दोस्त हैं कि घर में गए नहीं और कर्फ्यू लगा नहीं, बस जनाब ये क्या हुआ, ये कोई डिक्टेटर घर में आया, ये कोई आमर खबर, कोई हिले नहीं, कोई बोले नहीं, कोई बच्चा बात नहीं करे, किसी की जरूरत नहीं, खबरदार कोई बंदा बोले ना, बिल्कुल। रसूल पाक की सारी अजवाजे मुताहरात, नौ की नौ बीवियां इकट्ठी होके हुजूर के गिर्द बैठ गई, एका कर लिया सारी इकट्ठी। अब मुतालबा क्या हो रहा है, मुतालबा हो रहा है जनाब खर्चे ज्यादा हैं आप पैसे कम देते हैं, ये मुतालबा हो रहा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन मुबारक झुकाए बातें सुन रहे हैं। हजरत फारूक आजम आ गए, हजरत फारूक आजम की अपनी साहिबजादी भी थी, पर्दे की आयात आने से कबल का वाकया होगा यकीनन। जब तशरीफ लाए अंदर दाखिल हुए और बीबियों ने देखा कि जनाब उमर आ गए तो दौड़ गई सारी, कोई इस दरवाजे के पीछे छुप गई, कोई सुजरे में चली गई, कोई सुजरे में चली गई। हजरत उमर कहने लगे तुम्हें तुम्हारी माए रोए, अल्लाह के नबी के सामने मुतालबे करती हो और उमर से शर्म करती हो, तुम्हें तुम्हारी माए रोए, अल्लाह के नबी का भी हया करो। हजरत अफसा जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अनो की साहबजादी उम्मुल मोमिनीन सैयदा अफसा रदी अल्लाह ताला ना पर्दे की ओर से चेहरा निकाल के कहने लगी आप तो जलाली बड़े हैं, डर लगा है आप, आपका तो दुर्रा हर वक्त तैयार रहता है ना, हम दौड़ आई हैं, लेकिन नबी पाक के पास अगर घंटों भी बैठी रहे वो इतने करीम है, नाज ही उठाते रहते हैं हुजूर, नाज ही उठाते चले जाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज उठाते इसलिए हम नाज दिखाती हैं, हुजूर नाज उठाते इसलिए हम नाज दिखाती। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो को खवातीन ने जवाब दिया गोया हुजूर की सीरत का वो मुश्तरका पहलू जो उन नौ अजवाजे मुताहरात की मुश्तरका रवायत थी पेश की, उन्होंने कहा हम सबका मुतफिका मौकिफ ये है कि हुजूर बड़े करीम है, नबी पाक बाहर भी मेहरबान है घर के अंदर भी बड़े मेहरबान है, हुजूर बड़ी मोहब्बत फरमाते, हुजूर बड़ी मेहरबानी। तो मेरे दोस्तों औरत से दरगुजर करना, उसके नाज उठाना, फिर अगली बात यह है कि औरत का हक के जौजियत अदा करना फर्ज है,
फर्ज है। अब चूंकि शरी मसला है, तवज्जो तलब अमर है। हुजूर ने फरमाया जो मर्द इस काबल हो शादी ही वो करे। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हुजूर को पता चला कि तो सारी रात नमाज पढ़ता रहता है, नफल पढ़ता रहता है सारी रात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, मैंने सुना है तू सारा दिन रोजा रखता है, सारी रात नफल पढ़ता है। हुजूर, हाँ रब को राजी करता हूं। फरमाया, अल्लाह के बंदे, तेरे लिए मेरा उस्वाए हसना ज्यादा अहमियत का हामिल होना चाहिए। मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और आराम भी करता हूँ, मैं अपनी बीवी के पास भी जाता हूँ, उसके हुकूक भी अदा करता हूँ। फरमाया, मैं वो सारे काम करता हूँ जो तुझे करना चाहिए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन, तेरे माँ बाप का भी तुझ पे हक है, तेरे वजूद का भी तुझ पे हक है, तेरी आंख को आराम की जरूरत है उसका भी तुझ पे हक है। और हुजूर ने फरमाया, सारी रात नमाज ना पढ़ा कर, तेरी बीवी का भी तुझ पे हक है, वो तुझे अदा करना है। अल्लाह की बारगाह में वो जाके सवाल करेगी, वो तेरा गिरेबान पकड़ेगी, तुझे इन चीजों का ख्याल रखना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, कोई फौजी 4 महीने से ज्यादा अपने घर से गैर हाजिर ना रहे, बीवी का हक है उसके पास आए, उसको वक्त दे, उसको वक्त दे। जे लोग मुल्क से बाहर रहते हैं ना, चलो बामरे मजबूरी है, मजबूरी के मामलात हैं, उनको अपनी बीवियों को ज्यादा शुक्र गुजार होना चाहिए, ज्यादा शुक्र गुजार होना चाहिए। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, वो खामत बड़ा खुश नसीब है जो घर में नहीं रहता लेकिन उसकी बीवी फिर भी बाहया रहती है, और उस अपने खामत के बिस्तर को वो कभी आलूदा नहीं होने देती। चाहिए ना खामन को कि वो उसने सलूक का मुजाहरा, मैंने बात शुरू में की, जिसकी कुर्बानियां ज्यादा उसके साथ इजहार मोहब्बत भी ज्यादा होने चाहिए। अजीज दोस्तों, इससे आगे चलिए, नानो नफका। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह अपने कपड़े पहनो इसी तरह अपनी बीवी को भी पहनाओ, जिस तरह का खाना अपने लिए पसंद करते हो इस तरह अपनी बीवी के लिए भी। मैं नहीं आपसे कहता कि आधी कढ़ाई दुकान पे खाएं आधी घर लेके जाएं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपको आगाह कर रहा हूँ। सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खाओ वही बीवियों को भी खिलाओ, जो पहनो वही बीवियों को भी। अब सुनिए इससे अगले लफ्ज हुजूर के, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिनार वो है जो बंदा अपने गुलाम को देता है, बड़ी बात है, एक दिनार वो जो अल्लाह की राह में सदका देता है, एक दिनार वो जो बंदा अपने दोस्त अहबाब की खिदमत कर। फरमाया, ये सारे ही दिनार खर्च करना बड़े अच्छे हैं, लेकिन फरमाया सबसे ज्यादा सवाब उसे उस दिनार का मिलेगा जो वो अपनी शरीके हयात अपनी बीवी पे खर्च करेगा, सबसे ज्यादा उसे उसका अजर मिलेगा जो अपनी बीवी पे वो पैसा खर्च करेगा, सबसे ज्यादा उस पर अजर मिलेगा। एक है नानो नफका, और आला हजरत ने लिखा कुछ इजाफी खर्चा भी दो उसे, और जब उसे थोड़ा बहुत इजाफी खर्चा दो तो बाद में हिसाब भी ना मांगो, हिसाब इतमाद होना चाहिए तुम्हें, तुम्हें इतमाद होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी कोई गैर शरी हरकत नहीं करती, लेकिन अगर तुम उसे इजाफी खर्चा दो तो उससे हिसाब देखे। इसमें कितने मीठे पहलू हैं, हो सकता है कि उसके मेके में कोई हाजत हो और वो किसी तरीके से पूरी करती हो, हो सकता है कुछ ऐसी जरूरियात जिंदगी हो जिनको वो अपने खामंद के सामने बयान करना अपने खानदान की इज्जत के लायक ना समझती हो, उसे दो खर्चा इजाफी, लेकिन बाद में उससे इस्तिफसार ना करो। हाँ, अगर तुम्हें शक है कि कोई ऐसा काम हो रहा है जो घर की इज्जत के खिलाफ है, पूरा इख्तियार हासिल है तुम्हें बात करने का, जागिए जरा, आंख खोलिए और मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नारा-ए रिसालत या रसूलल्लाह, नारा-ए हैदरी या अली, अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस पर माल खर्च करो। और एक और शरी मसला आपको बता दूं, खावंदो कुंजूस कठिन मसला है ना, और वो बीवी को जरूरत के पैसे भी ना देता हो तो उस औरत को इजाजत है कि खामंद की इजाजत के बगैर उसके पैसे लेके इस्तेमाल कर सकती है, शरीयत ने इजाजत दी है ना उसे। नहीं नहीं, मुझे सवेरे एक साहब कहने लगे, इतने हक ना बयान कर देना, बीवियां पहले ही बहुत ज्यादा
इसरार करने वाली हूँ। इतने ना हक बयान कर देना। मैंने कहा हुकूक मैंने मुकर्रर किए हैं कि अल्लाह रसूल ने मुकर्रर फरमाए। अगर अल्लाह रसूल ने मुकर्रर फरमाया तो मैं तो रावी हूं ना, मैं तो एक रावी एक दरमियान में सिर्फ वास्ता हूं कि मैंने कहीं से पढ़ा और आप तक पहुंचा दिया। अगर हजरत हिंदा बिन अबी सुफियान जनाब अबू सुफियान की जौजा रसूल पाक की खिदमत में अर्ज करने लगी, हुजूर खामद मेरा बड़ा कंजूस है, भी मालदार, हुजूर जरूरत के पैसे भी नहीं देता, नानो नफका भी पूरा नहीं करता, कपड़ी रोटी के पैसे भी पूरे नहीं करता, हुजूर मुझे पता है पैसे कहाँ रखता है, अपनी मर्जी से ले लूं। हुजूर ने फरमाया जरूरत के मुताबिक लेना। ये नबी पाक की हदीस से साबित, फरमाया जरूरत के पैसे ले सकती है तू, इजाफी खर्चा नहीं, इजाफी खर्चा वो अपनी मर्जी से। अब जी हक है ना औरत का, बात सख्त है थोड़ी सी खामदों के लिए, लेकिन चूंकि हक है, औरत का हक है और अल्लाह रसूल ने उसे दिया है, तो बहरहाल समझना चाहिए नानो नफका। अगर कोई खामन सही अदा नहीं करेगा तो बीवी को हक हासिल है कि वो बगैर उसकी इजाजत के अपने खाने के लिए, अपने कपड़ों के लिए, जरूरियात जिंदगी के लिए, वो बगैर उसकी इजाजत के उसके पैसे इस्तेमाल कर सकती है। तो अजीज दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे हुकूक बयान फरमाए। अब जरा आगे चलिए, इससे अगली बात है, खामद का अपनी बीवी के साथ उसने सुलूक करना। अब देखिए मेरे महबूब ने क्या फरमाया, फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लियाहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, सबसे बेहतरीन। और हुजूर ने फरमाया अना खैरुकुम लियाहलिही, फरमाया मेरे घर वालों से पूछ लो जाके मैं सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी बच्चों के लिए बेहतर है, घर वालों के लिए, इसका सलूक अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छा है। मैंने वो सारी बातें शुरू में अर्ज कर दी, तादीबन औरत को हल्की फुल्की सजा देने की इजाजत दी, लेकिन साथ साथ जो हुकूक मुतय्यन फरमाए, हुस्ने इखलाक का जो मुजाहरा फरमाया, मीठी बात करने का हुक्म दिया, औरत के साथ नरम लबो लहजा इख्तियार करने का हुक्म इरशाद फरमाया, फरमाया वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के आई। और फिर दूसरा नक्स ये है, उसकी एक फितरी कमजोरी है कि वो नाक्सुल अकल है, वो टेढ़ापन रखती है, उसकी तबीयत में शामिल है। तू आला जरफ है, तू मर्द है, अल्लाह ने तुझे अफसर बनाया, तेरा काम है कि तो उसके साथ उसने सलूक करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी जौजा सय्यदा तय्यबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं हुजूर घर में होते थे तो बेतकल्लुफ गुफ्तगू कर लेती थी, बेतकल्लुफ जो मुझे कहना होता था मैं बगैर झिझक के नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में बात अर्ज कर देती थी। फरमाते एक मौका ऐसा आया कि हजरत सफिया रसूल पाक की जौजा फरमाती हैं कि ऊंट मेरा कहीं गुम हो गया, मैं रोने लग गई, ऊंट गुम हुआ और मैं रोने लग गई। सफिया फरमाती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी मुकद्दस चादर मुदस्सर वाली और मुजम्मल वाली कमली, फरमाते हुजूर ने उसके साथ मेरे आंसू साफ किए और आंसू साफ करके हुजूर ने कुछ ऐसी बातें छेड़ दी कि मैंने हंसना शुरू कर दिया। नबी पाक दिलजोई फरमा रहे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलजोई फरमा रहे। फरमाती हैं ये अंदाज हुजूर हमारे साथ इख्तियार, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मैं छोटी सी थी जब हुजूर के घर आई, मैं अपनी सहेलियों को कहती कि फलाने टाइम हुजूर घर नहीं होते, आ जाना मिलके खेलेंगी, आ जाना। फरमाती छोटी सी थी जब रसूल पाक के हरम में दाखिल हो गई, अपनी सहेलियों को कहती हुजूर फलां वक्त नहीं होते, आ जाना मिलके खेलेंगे। फरमाती हैं बच्चियां मेरे साथ खेलती और हुजूर कभी बेवक्त आ जाते, जो आने का वक्त ना होता, किसी काम से आ जाते। फरमाती हैं जब हुजूर आते तो मेरी सहेलियां छुप जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सारी बच्चियां छुप गईं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं रसूल पाक के तर्ज पर, अंदाजे मोहब्बत पर। फरमाती हैं हुजूर उठे, अरे हुजूर से कोई चीज छुप तो नहीं ना सकती। आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा रहा, जब खुदा ही ना छुपा, जब अल्लाह नहीं छुपा तो और क्या चीज छुपेगी। नबी पाक ने जब अपने रब का दीदार कर लिया अल्लाह के करम से, तो बाकी पीछे क्या रह गया, हुजूर से कुछ। हुजूर उठते और जिस दरवाजे के पीछे कोई बच्ची छुपी होती हुजूर उसे पकड़ के लाते, ला के हजरत आयशा फरमाती मेरे पास बिठाते, फिर दूसरी को पकड़ के लाते, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, सबको पकड़ के लाते। और रसूल पाक फरमाते जाना ना, जब तक तुम्हारे पास मौका हो आयशा के साथ खेलती रहना, जाना नहीं, जाना नहीं। हजरत आयशा फरमाती है मेरी सहेलियां घर जाके, अपने घर जाके वो बतलाया करती थी
कि आयशा बड़े नसीबों वाली है, आयशा बड़े मुकद्दरों वाली है, ऐसा घर वाला मिला है जो उसके खेलने का भी ख्याल रखता है, जो उसकी तफरीह का भी ख्याल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए ना, सय्यदा आयशा सिद्दीका फरमाती है मस्जिद नबवी में हबशी बच्चे नेजों से खेल रहे थे, नेजों के साथ खेल रहे थे, और नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया आयशा इधर आओ, बच्चे हबशी मस्जिद के दरवाजे पे नेजों के साथ खेल रहे हैं, खेल देखोगी? तो आयशा सिद्दीका फरमाती है मैंने कहा हुजूर देखूंगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना अपने जुब्बा मुबारक के अंदर, अपनी चादर मुबारक के अंदर मुझे छुपा लिया, मेरी सिर्फ आंखें नजर आती थी। फरमाती है मैं नबी पाक अलैहि सलात व सलाम के मुकद्दस मगल मुबारक के अंदर छुपी वो खेल देखती रही, देखती रही, देखती रही और महजूज होती रही। हुजूर ने फरमाया आयशा बस करें अब। फरमाती है मैंने कहा नहीं अभी और देखना है। माती है रसूल पाक के लफ्ज हैं बस करें और देखना है। फरमाया हुजूर फिर खड़े रहे। रसूल पाक की चाहत और हजरत आयशा सिद्दीका की चाहत, जब नबी पाक ने बहसियत शौहर अपना उस्वाए हसना पेश किया तो किस अंदाज में पेश किया? फरमाया नहीं जब तक तू कहेगी मैं खड़ा दिखाता रहूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं जब तक मैं देखती रही रसूल पाक मेरी ख्वाहिश के लिए खड़े रहे। दो जहां के बादशाह, दो जहां के वाली, फरमाते एक बीबी उसकी चाहत के लिए हुजूर कितनी देर खड़े रहे, कितने काम करते हैं हम अपनी बीवियों की चाहत के हवाले से, और कितना हम वक्त सरफ करते हैं सिर्फ इसलिए कि आज चलो बीवी की ख्वाहिश है और हम थोड़ी देर के लिए कुछ वक्त ऐसा निकाल लें जो फकत हम ऐसा दे जिससे उसकी तबीयत को हम थोड़ा खुश कर सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम का अंदाज देखिए ना, हज़रत आयशा फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम एक जंग से वापस आए तो फरमाया आयशा मेरे साथ दौड़ लगाओगी? हम समझते हैं तहजीब के खिलाफ है, मैं तो बड़ा मुहज़ब होता हूँ जी, मैं बड़ा मुहज़ब आदमी हूँ। और एक और मुसीबत है हमारे यहाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के साथ घर का काम काज भी कराते थे, क्या ख्याल है आपका? औरतों के साथ घर का काम काज भी, क्या ख्याल है आपका? वैसे ये सुन्नत है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जितना मर्जी कोई ताना दे कि ये बीवी का मुरीद हो गया है, जोहरू का गुलाम हो गया है, आप कह सकते हैं मैं मुस्तफा की सुन्नत अदा कर रहा हूं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और नौजवान फख्र करते हैं बाहर निकल के, मैंने नहीं कभी बोलने दिया उसे भाई ये आला इखलाक की बात नहीं है जो तू सुना रहा है, ये आला इखलाक वाली बात नहीं कि तू बाहर बैठ के कहे जी भाई उसकी जरूरत है मेरे सामने बोल जाए, ये आला इखलाक की बात नहीं है, ये आला ये कोई जरूरत वाला मामला है, औरत पे जरूरत दिखाना भी कोई कमाल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा दौड़ लगाओगी? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं जवान थी, मेरा वजूद उस वक्त पतला था, मैंने कहा हुजूर लगा लें दौड़, हुजूर से ज्यादा कोई मुहज्जब नहीं, नबी पाक से ज्यादा कोई तहजीब का आलमबरदार, नबी पाक से ज्यादा कोई बावकार नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों ये अंदाज हुजूर ने क्यों इख्तियार फरमाया? तेरी और मेरी तरबियत के लिए इख्तियार फरमाया, तुझे और मुझे दर्श देने के लिए इख्तियार फरमाया, और नबी पाक से ज्यादा मसरूफ भी कोई नहीं। अगर कोई ये दावा करे कि बड़ा मसरूफ होता हूं, मैं कैसे वक्त निकालूं अपनी बीवी के लिए? रसूल पाक की जिंदगी बड़ी मसरूफ जिंदगी है, बड़ी माना खेज जिंदगी, एक एक लम्हा मेरे महबूब का मसरूफ है, लेकिन आप अंदाज क्या इख्तियार फरमाते हैं? मैं आयशा चलो दौड़ो, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं दौड़ लगाई और मैं जीत भी गई, दौड़ लगाई भी, हुजूर पीछे रह गए मैं आगे निकल गई। फरमाती है रसूल पाक ने मुझे खजूरें भी अता फरमाई, नबी पाक ने मुझे पानी भी पिलाया, दौड़ के दौड़ती दौड़ती थक गई। फरमाती है फिर एक मौका आया, हुजूर ने फरमाया आयशा आज फिर दौड़ लगा लो। फरमाती है मेरा वजूद थोड़ा मोटा हो गया था, थोड़ा सा वजूद मेरा भारी हो गया था, रसूल पाक ने फरमाया लगाओ दौड़। आयशा सिद्दीका फरमाती हैं दौड़ लगाई तो हुजूर जीत गए, रसूल पाक जीत गए मैं पीछे रह गई। हुजूर ने फरमाया आयशा ये पिछली दफा का बदला हो गया है, मैंने आज तुम्हें कहा ही इसलिए था कि मुझे पता था आज हार जाओगी, अब वो वाली चुस्ती और वो वाली फुर्ती तुमने नहीं रही, अब तुम हार जाओगी, ये मैंने बदला लिया है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जब सय्यदा आयशा ये अंदाज ये हदीसें बयान किया करती थी तो रोया करती थी, आंखों में आंसू होते थे। फरमाते हैं एक मैं उस दिन बड़ा रोई हुजूर की मोहब्बत पे, एक बूढ़ी औरत हमारे घर आई, बूढ़ी औरत, फरमाती हैं कि उसके हाथ के अंदर लाठी थी, लाठी टेकती हुई आई, और जब उसने बाहर से आवाज दी फरमाती हैं रसूल पाक
झट से चारपाई पे बैठ गए। मेरे रसूल पाक ने बड़ी जल्दी से कपड़ा ठीक किया। हुजूर जल्दी से उठे, उस बूढ़ी का इस्तकबाल किया, उसे बिठाया, उसे खिलाया पिलाया, खिदमत की। हुजूर उसके सामने बैठे रहे, पुरानी बातें नबी पाक करते रहे, बताइए फुलां का फिर क्या हाल है, वो फुलां मौके पे फिर क्या बना था, फिर क्या हुआ था। सय्यदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीका फरमाते हैं, मुझे समझ ही ना आई, माजरा क्या है, मामला क्या है, ये बीबी कौन है, हुजूर ने क्या किस किस्म का तज़किरा छेड़ दिया है। सय्यदा आयशा फरमाती हैं, बीबी चली गई, मैंने समझा बड़ी कोई मौजज़ औरत है। हुजूर ने इतना इकराम किया, इतना एहतराम किया, इतनी खिदमत की, जाते दफा खजूरें तोहफे में अता फरमाई, बड़ी कोई मौजज़ बावकार, पता नहीं कौन आली मर्तबत औरत है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर ने जब उस औरत का तारुफ कराया, फरमाती है मेरे दिल से दुआ निकली, आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो बीबी कौन है? रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम जब वो बीबी गई, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, रसूल पाक की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हुजूर बीबी कौन है? हुजूर रो पड़े। नबी पाक थोड़ी देर के बाद आंसू पूछ के कहने लगे, आयशा ये खतीजतुल कुबरा की सहेली है, ये खतीजा की सहेली है। हम मक्के में जब रहा करते थे, जो हमारे पड़ोस में रहा करती थी, ये खतीजा के पास आके बैठा करती थी, ये खतीजा के पास आके दुखड़े बयान किया करती थी, ये खतीजा के साथ वक्त गुजारती थी। हमने बड़े दुख इकट्ठे देखे हैं, हमने बड़ा करब का जमाना इकट्ठे गुजारा है। अब काफी अरसे के बाद ये भी मदीने मुंतकिल हुई, मुझे खबरें मिल रही थी, आज जब आई है तो मुझे वो खतीजा की वफाओं वाला दौर फिर से याद आया है, वो खतीजा की मोहब्बतें फिर से याद आई है, वो खतीजतुल कुबरा ने जो मेरे साथ कठिन वक्त गुजारा था, वो जो दुखों की वादियां मैंने और खतीजा ने कट्ठे सर की थी, वो शेबे अबी तालब के दिन जो मैंने और खतीजा ने भूख में काटे थे, वो ओजड़ियां मेरे सर पे जो काफर रखते थे, और खतीजा मोहब्बत और प्यार के साथ कहती थी, सोनिया गम ना करना, अल्लाह बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा। फरमाया मुझे वो सारे दुख और वो सारी परेशानियां और वो खतीजा का सारा प्यार आज फिर से याद आया है। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले कह रहे थे, सय्यद आयशा फरमाती है, मेरा दिल गवाही दे रहा था, आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप वाकई। और हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, नबी पाक अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के बाद और भी हैं, फरमाया आयशा गोश्त पकाओ तो सालन जरा ज्यादा बनाना, शोरबा जरा ज्यादा कर लेना, पानी जरा ज्यादा डालना, हुजूर मेहमानों ने आना है, कुछ लोग आ रहे। फरमाया नहीं, मुझे पता चला है मदीने में खतीजा की कुछ सहेलियां आके ठहरी हैं, मैं आज उन्हें भी सालन भेजना चाहता हूं, उनके घरों में तोहफा। ये अंदाज, आज बीवी चली जाती है, नई शादी हो जाती है, उसके बाद के मामलात क्या हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदा का वो जमाना भी याद रखा, हजरत खदीजा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ये अंदाज मेरे महबूब का था अपनी बीवियों के हक में, ये तर्ज हुजूर इख्तियार फरमाते थे अपनी बीवियों के लिए। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इस कदर प्यार करते थे, इस कदर मोहब्बत करते थे, इस कदर नबी पाक अलैहिस्सलाम खुलूस का मुजाहरा करते थे। फरमाती हैं हुजूर अंदर दाखिल हुए, मैं पानी पी रही थी। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती अंदर दाखिल हुए, पानी पी रही थी। आज तो औरत का जूठा क्या, बच्चा हमारा अपना भी कभी कोई ऐसी हरकत कर जाए ना तो हम जलाल दिखाना शुरू कर देते हैं, इसने ये क्यों किया, तुम्हें पता नहीं है मैं रोटी खा रहा हूं, ये सारा मामला किस तरह हो गया, ये बच्चा आया तो आया क्यों। मेरे दोस्तों, इतना तकब्बुर, इतना गुरूर और इस कदर अपने आप को आगे लेके जाना और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत से रूगर्दानी और औरत के साथ ये रवैया, औरत हमारी बांदी तो नहीं, वो लौंडी तो नहीं, वो नौकरानी तो नहीं, वो खादिमा तो नहीं, उसे तो तेरे रसूल ने तेरी इज्जत करार दिया है, इसे तो तेरे रसूल ने तेरे लिए बायसे वकार करार दिया है, इसे तो तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तेरी नजर नीची रखने का जरिया करार दिया है, इसे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने निकाह कर लिया उसने तो ईमान मुकम्मल कर लिया, गोया औरत ने तो आके तेरे ईमान की तकमील कर दी। ये सारी बातें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के हुकूक में बयान फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हुजूर आए, मैं पानी पी रही थी प्याले में, दाखिल हुए, फरमाती हैं कि पानी तो घड़े में और भी मौजूद था। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा प्याले में कुछ पानी छोड़ देना। मैंने कहा हुजूर पानी है? फरमाया नहीं, वो वाला नहीं, प्याले में कुछ पानी छोड़ देना। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैंने चंद घूंट और पानी पिए, छोड़ दिया। रसूल पाक आए, फरमाया लाओ मैं पानी पीऊंगा, लाओ। रसूल पाक ने
जब मेरा जूठा बीने का फैसला किया तो फरमाती हैं कि मैं समझती थी आज मुझसे ज्यादा बाइज्जत कोई नहीं, आज इतनी इज्जत इतना वकार कायनात में किसी का नहीं, इतना मुझे मिल रहा, हुजूर मेरा जूठा पानी पीने लगे। फरमाती हैं फिर रुक गए। हुजूर ने फरमाया, अच्छा ये बता तूने कहां से पानी पिया था, उस जगह का तायुन कर जहां से तूने पानी पिया। सय्यदा तय्यबा ताहिरा सिद्दीका बिनते सिद्दीक, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने ताज्जुन के हुजूर यहां से पिया है। फरमाती हैं मेरी मेराज की हद देखो और मेरी इज्जत का उरूज देखो और मेरे मुस्तफा का इज्जत देने का तरीका देखो, रसूल पाक ने ऐन उस जगह लब टिकाए जहां से मैंने पानी पिया था। मेरे दोस्तों जरा इस बात का आप ख्याल फरमाए ना, इस पे जब आप इतना प्यार करोगे ना बीवी के साथ, उसका दिमाग खराब हुआ मेके जाके बैठेगी, उसको क्या मुसीबत बनी हुई है कि वो कहेगी नहीं मैंने मेके जाना है। इतना अंदाजे मोहब्बत अगर इख्तियार करोगे, इतना प्यार करोगे तो आपका घर बर्बाद नहीं करेगी बल्कि कुर्बानी दे के आबाद करेगी, वो कुर्बानी दे के आबाद करेगी। अगर ये अंदाजे मोहब्बत जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों के साथ कायम फरमाया, इससे अगला भी एक हक है, वक्त थोड़ा रह गया जुमे का, इससे अगला भी एक हक है, वो क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कू अन्फुसकुम वाहलीकुम नारा। फरमाया ईमान वालो खुद भी जहन्नुम से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ, खुद भी जहन्नुम से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। आला हज़रत फरमाते हैं कुछ खावंद ऐसे हैं जिनकी बीवियां अपने खावंद की वजह से जन्नत में चली जाएंगी। खावंद नेक था, अल्लाह ने सिफारिश कबूल कर ली और उसकी बरकत से उसकी बीवी भी जन्नत में चली गई। और फरमाया कुछ बीवियां ऐसी हैं, बीवी नेक होगी अल्लाह उसकी बरकत से खामुद को जन्नत अता फरमा देगा। फरमाया ऐ ईमान वालों खुद भी आग से बचो और अपनी बीवियों को भी आग से। अच्छा कभी कभी जिमनन बीवी को कह दिया नमाज पढ़ा कर, ठीक है जी, उसने कहा अच्छा पढ़ा करूंगी, बात खत्म हो गई। फिर किसी ने कहा घर में से तू अपनी बीवी को कह ना, मैं तो कहता हूं पढ़ती नहीं, बड़ा बियाला अंदाज तूने इख्तियार किया कहने का, नमाज पढ़ा कर, उसने कहा अच्छा ठीक है पढ़ा करूंगी, बात खत्म हो गई। भाई जिस तरह वो रोटी ठीक ना पकाए तो नाराज हो जाता है, कपड़े नहीं धो के दिए नाराज हो गया, जूते नहीं पॉलिश किए नाराज हो गया, नमाज नहीं पढ़ती तो फिर भी नाराज हो, तेरा हक बनता है। अजीब तमाशा हमने इख्तियार कर रखा है कि भाई बीवी जात का काम न करे तो हम बीवी को घर में रखते नहीं। मेरे दोस्तों सहाबा में से बहुत सारी तलाकें इसलिए हुई कि ये बीवी अल्लाह रसूल की नाफरमान है, वो इसलिए बीवियां छोड़ते थे कि ये रब रसूल की फरमा बरदारी नहीं करती। और हमारा क्या हाल है, हम कभी इस मामले में तो शिकन तक। याद रखो जिस तरह कयामत के दिन अगर बीवी से पूछा जाएगा खावंद के हुकूक अदा क्यों नहीं किए, खावंद से पूछा जाएगा बीवी के हुकूक अदा, इसी तरह खावंद से पूछा जाएगा तेरी बीवी नमाज क्यों नहीं पढ़ती थी, तू उसका निगरान था, तू उस पर अमीर था। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसूल अन रैयतिही, तुमसे सवाल होगा, पूछा जाएगा खावंद से कि तेरी बीवी नमाजी क्यों नहीं थी, बापर्दा क्यों नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक औरत चार आदमियों को लेकर जहन्नुम में जाएगी, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह, फरमाया अल्लाह उसे कहेगा तू बेपर्दा थी बेहया थी, चल दोजख के अंदर। वो कहेगी या अल्लाह मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे बाप को बुला, मैं रोटी ठीक नहीं पकाती थी तो नाराज होता था, कपड़े नहीं धोती थी तो नाराज होता था, मैं बेपर्दा फिरती थी इसे कभी ख्याल ही नहीं आया। अल्लाह फरमाएंगे ले जाओ बाप को भी साथ। वो कहेगी या अल्लाह ठहर मेरे भाई को भी बुला, ये हर हर बात में नाराज होता था, दीन के मामले में ख्याल ही नहीं आया, दीन को सौतेला समझ रखा है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया ही निकल गई है, बुला मेरे भाई को, एक बार ये नाराज होता था तो सारी रात में रो के गुजार देती थी, मेरा भाई नाराज है, क्यों नहीं इसने मुझे पर्दे के लिए कहा, क्यों नहीं इसने मुझे नमाज के लिए कहा। अल्लाह फरमाएगा ले जा भाई को भी दोजख में साथ, कहेगी मेरे शौहर को बुलाओ, कौन कौन से नाज थे जो मैं इसके नहीं उठाती थी, क्यों इसने मुझे नमाजी नहीं बनाया। शौहर के लिए भी दोजख का फैसला, बुलाओ मेरे बेटे को,
इसके माथे पे शिकन आती थी तो मैं सब कुछ कुर्बान कर देती थी, क्यों इसने मुझे नहीं समझाया, मैं तो नाक्सुल अकल थी, मैं तो जबिल्लतन फितरतन कमजोर पैदा की गई। एक औरत चार आदमियों को लेकर जहन्नुम का ईंधन बनेगी। कभी नाराज ही नहीं हुए हम अपनी बीवी से कि तू नमाज नहीं पढ़ती, कभी नाराज ही नहीं हुए इस बात पे कि तूने सुबह कुरान क्यों नहीं खोला, कभी माथे पे शिकन तक नहीं आया कि मैंने कभी तुझे दुरूद पढ़ते नहीं देखा। पर दोस्तों सुनो, बीवियां नाफरमान इसलिए हैं कि हम उन्हें अपना फरमा बरदार बनाते हैं, सिर्फ अपने आगे झुकाने के चक्कर में हैं। जब ये चक्कर बन जाएगा ना कि मैंने तुझे अल्लाह रसूल के आगे झुकाना है, जब ये चक्कर हो जाएगा ना कि तुझे अल्लाह रसूल का फरमा बरदार बनाना है, अगर तुम उसे अल्लाह रसूल का फरमा बरदार बनाओगे तो अल्लाह रसूल उन्हें तुम्हारा फरमा बरदार बना देंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अन्फुसकुम वाहलीकुम नारा, अल्लाह का कुरान कहता है जिम्मेदारी है मोमिनों की कि वो खुद भी दोजख की आग से बचें और अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी दोजख की आग से बचाएं। ये भी हक है औरत का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दोनों मियां बीवी रात को उठ के नमाज पढ़ते हैं ना तहज्जुद की, फरमाया मेरा रब उन्हें देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है। मियां बीवी उठ के रात को तहज्जुद पढ़े। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ी खुश नसीब है वो बीवी जो तहज्जुद के वक्त अपने खावंद को कहे उठ अल्लाह की इबादत करे, फरमाया खावंद ना उठे तो उसके मुंह पे पानी छिड़के, और फरमाया बड़ा ही मुकद्दरों वाला वो शौहर है कि जो अपनी बीवी से कहे चल उठ आ जरा अल्लाह की इबादत करें, बीवी ना उठे तो उसके मुंह पे पानी छिड़के। सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर आके आराम करते। बहुत सी बातें रह गई आपको बताने वाली, जुमे का टाइम थोड़ा होता है दोस्तों। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे रात को उठाते, कहते अबू बकर की बेटी उठ, मैं भी वितर पढ़ने लगा हूं, तू भी वितर पढ़ ले। हुजूर इशा की नमाज सारी नहीं पढ़ते थे, फर्ज सुन्नत पढ़ते थे, फिर बाकी आधी रह, उठ तू भी पढ़ मैं भी पढ़ता हूँ। मुझे बतलाओ जब जो बीवी रात अल्लाह की बारगाह में झुकेगी वो खावत की नाफरमानी कैसे करेगी। इन्हें अल्लाह के हुजूर झुकाओ, इन्हें सैयद आयशा सिद्दीका की कनीजें बनाओ, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत सिखाओ, फिर देखो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फरमा बरदार हो जाएंगी। अल्लाह करीम हम सबको सही मानों में औरतों के हकूक अदा करने की तौफीक दे। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उमर दरूद व सलाम में गुजरे। वाखिर काफिर इसी पिच हो गया, फिर तशबी मुसल्ला की करना, असा जाहिर रब मन आए बातन दा अल्लाह की करना, असा जाहिर रब मन आए बातन दा अल्लाह।